लीजिए, जब आपको मैंने मौका दिया तो हम लोगों ने क्या कहा था, समाज के, मैंने बिहार के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पर या हाशिए पर है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करेंगे, वही तो हम लोगों ने किया। जब न्याय यात्रा पर निकले थे 2005 में तो आखिरकार सहरसा जिले में भी आकर के यही बात बोल गए थे, और जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो जो हम लोगों ने काम शुरू किया, आप देखिए किस तरह से किनारे पर महिलाओं की क्या प्रतिष्ठा थी, नाम मात्र की जनप्रतिनिधि होती थी, हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, और 2000 में पंचायत का चुनाव किया अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं, हम लोगों ने अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग की जिसको कोई नहीं देखता था उस अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। और आप समझ गए लोग कितना जनप्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं, कितनी इज्जत बढ़ी है, कितना सम्मान बढ़ा है, तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू किया, और आज महिलाओं का तो 3 चुनाव हो गया, 50% पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही है। और हम जो भी बात करते हैं, जो महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी बात करती, हम देखते हैं कि भाई कितना मेहनत करती हूँ, बहुत लोग हमसे बड़ा खफा होते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि महिला को 50% दे दी उसको कुछ आएगा, और अब हंसते हुए कहते थे कि देखिएगा समय पर पता चलेगा। और आप समझ लीजिए महिलाएं जितना बुलंदी के साथ अपने क्षेत्र के काम को देखती है और उसके लिए प्रश्न उठाती है और सेवा करने की कोशिश करती है, उसी तरह से समाज के कमजोर तबके के लोग भी, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, वो सेवा करते हैं, सब सेवा करते हैं, और हम लोगों ने तो समाज के हर लोगों के उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं। तो इस तरह से जो काम शुरू किया, क्या हालत था पाई स्कूल का, अस्पताल का, थोड़ा बताइए नहीं जा पाते हैं, ये कौन है, तो हमने आपको पहले भी बता दिया है, जो उसका आकलन हमने करवाया तो सबसे ज्यादा जो स्कूलों से बाहर रह जाते थे वो या तो महादलित समुदाय के थे या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उनको स्कूल पहुंचाने के लिए हमने टोला सेवक तालमी वर्कर स्वयं सेवक 30,000 लोगों को लगाया, और जिन लोगों को लगाया उनको 7 साल की उम्र तक काम की जिम्मेवारी दी है, और अब कोई स्कूल से बाहर नहीं है, ना के बराबर।